होम लोन डिसबर्समेंट प्रोसेस के अंदर बैंक आपसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, आपकी इनकम, आपका सिविल स्कोर, प्रॉपर्टी पेपर, जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं उसको वैलिडेट करता है कि ये प्रॉपर्टी लीगली है ओके या नहीं है, या उसकी जो मार्केट वैल्यू वो कितनी है उसका मेजरमेंट चेक करता है। इन सब प्रोसेस के बाद आपको जो बैंक सैंक्शन प्रोवाइड करता है जिसमें सब लिखा होता है कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, फिक्स्ड है, फ्लोटिंग है, कितने समय के लिए है और इसके अंदर फोरक्लोजर चार्जेस क्या है, प्रीपेमेंट चार्जेस क्या है, ये सब इन्फॉर्मेशन के बाद आपको क्रेडिट मैनेजर बताते हैं कि अब आप जो है अपनी रजिस्ट्री करवा सकते हैं। आपको कोई एक डेट डिसाइड की जाती है जिसके अंदर सेलर भी मौजूद होते हैं, जिसमें जो प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं उसके बाद आपको वहां मौजूद होना पड़ता है और जो बैंक के मैनेजर हैं, इन सब के बाद आपके नाम रजिस्ट्री हो जाती है, सेलर को उसका पैसा मिल जाता है और बैंक जो है रजिस्ट्री के पेपर ले जाता है। इस प्रकार से डिसबर्समेंट का प्रोसेस होता है। अधिक जानकारी के लिए आप मुझे नीचे कमेंट्स कर सकते हैं।